ग्रुप ऑफ प्लांट को दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट से आ, सेपरेट करते हैं दम्बर्स आर करेक्टराइज बाई दे ग्रीन कलर जो जेंतोफिटा है तो इनके मेम्बर्स की जो प्लांट बॉडी का कलर है वो येलो ग्रीन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जैंतोफिल जैनतोफिल की मौजूदगी की वजह से इनके मेंबर्स का ये जो कलर है वो येलो ग्रीन होता है और इसी येलो ग्रीन कलर की वजह से इनको येलो ग्रीन एल कहा जाता है विद फ्यू एक्सेप्शन दी प्लांट्स आर फ्रेश वाटर जितने भी मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं मतलब के जो लेक रिवर स्ट्रीम्स कैनाल्स वगैरह है वहां पर रहते हैं कुछ जो है टेरेस्ट्रियल या फिर आ, सी वाटर में रहते हैं इस ग्रुप में हमारे पास छिहत्तर जेंरा हैं और 376 स्पीशीज है ज्यादातर मेंबर्स की जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलर है और मल्टी मेंबर्स भी पाए जाते हैं वही बात के फ्रेश वाटर मेंबर्स की तादाद ज्यादा है जबकि सबेरियल और टेरेस्ट्रियल मेंबर्स भी पाए जाते हैं सबेरियल या टेरेस्ट्रियल एक ही बात है कि जो लैंड पर रहते हैं उनको सबेरियल या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं दी प्लास्टर्स आर येलो ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ई एंड बीटा करोटीन द करोटीनाइड्स आर यूजली इन एक्सेस अब इनकी येलो ग्रीन कलर जो है मैंने स्टार्ट में बता दिया कि जेंटोफिल की वजह से है इनकी एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें क्लोरोफिल ए वो तो सारे में पाया जाता है लेकिन क्लोरोफिल ई इनका एक डिस्टिंगविशिंग करेक्टरिस्टिक है साथ ही साथ इनमें बीटा कैरोटीन्स और इसके अलावा बाकी करोटीनाइट्स की ये तादाद कसरत से है मतलब कि उनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा है the pyranides are absent आर एब्सेंट एंड स्टार्च इज नट फॉर्मड foods फूड्स आर इन form ऑफ oil, फैट एंड लूकोसिन इसके अलावा पायरनाइड्स इनमें एबसेंट होते हैं रिज़र्व फूड जो है तो वो स्टार्च के फार्म में भी नहीं होता जिस तरह के हमने प्रीवियस ग्रुप क्लोरोफेटा या कैरोफेटा में पढ़ा था कि वहाँ पर रिज़र्व फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है तो यहाँ पर रिज़र्व फूड जो है वो इन दाम ऑफ आयल ड्रॉपलेट्स फैट्स ग्लूकोसीन होती है मतलब कि एसिड्स जो है तो और इनके रिज़र्व फूड है या लिपिड्स जो है बेसिकली इनके रिज़र्व फूड जो है वो लिपिड्स है इन दाम ऑफ लिपिड्स ये अपने फूड स्टोर करते हैं न कि इन दाम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द सेल वॉल इज़ वेरी थिन विद हायर कंटेंट्स ऑफ पिक्टिक कंपाउंड्स सिलोज इज ऑफ एब्सेंट इन सम केसेस द सेल वॉल इज एबसेंट जो सेल वॉल है तो वो तिन है और इसमें पिकटिक कंपाउंड की कंसनट्रेशन ज्यादा है मीन्स के पिक्टिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेलोज या तो एबसेंट है या फिर उसकी मकदार बहुत कम है कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि उनमें सेलवान नहीं पाया जाता डिमोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन यूजुअली टू वन टेंसाइल एंड वन फ्लैजिला इंटीरियरलीसर्टेड जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है तो वो मोटाइल होते हैं और हर एक रिप्रोडक्ट सेल के साथ दो तो फ्लेजिला होते हैं एक स्मालर साइज होता है जिसको टेंसिल कहते हैं जबकि एक लार्जर साइज होता है वेपलेश लाइक चाबक की तरह और इनकी लंबाई डिफरेंट होती है यह टेंसिल जो है उसकी लेंथ कम होती है वेपलेश की लेंथ ज़्यादा होती है तो अनइक्वल इन लेंथ होती है और इंटीरियरली लोकेटेड होते हैं सेल के साथ इंटीरियरली अटैच होती है ये दोनों फ्लैजेला रिप्रोडक्शन इज रेयर एंड वेन एवर अकर इट इज मोस्टली गेम्स टाइप जेंटोफेटा में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो रेयरली होता है और फेवरेबल कंडीशंस में मोस्टली होता है लेकिन जब भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो गेमस टाइप होता है वो गेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है प्रीवियसली कि इसमें जो मेल गेमिट होता है वो स्मालर इन साइज़ होता है पेयर शेप होता है और मोटाइल होता है जबकि फीमेल गेमिट जो है वो लार्जर इन साइज़ होती है और ओवल शेप एक शेप होती है और नान मोटाइल हैं फीमेल गमीट के इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से कि उसका शेप जो है वो एक ही तरह होता है तो इसको वो गेमस टाइप ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इस वजह से कहते हैं वुचेरिया अब हम वुचेरिया को एज एग्जाम्पल या रिप्रजेंटेटिव मंबर पढ़ेंगे वचेरिया हैज अबाउट फिफ्टी फोर स्पीशीज जो जीनस व्या है तो इसमें 54 स्पीशीज़ हैं जो स्पीशीज़ है तो वो ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं उनके अबर्डेंस जो है वो टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा है इट इंक्लूड्स सिनोसिटिक साइफोनस फार्म जो प्लांट बॉडी है तो वो सीनोसिटिक होती है मतलब कि एसेप्टेट होती है और साइफोनस है मतलब के जो पाइप नुमा शेप है इनका और सिनोसटिक तो जानते हैं कि एसेप्टेट है जो सेल्स है तो उनके दरमियान सेप्टा जो है या पार्टीशन जो है वो कंप्लीट नहीं है इनकम्प्लीट है तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम सिनोसेटिक कहते हैं दे है मल्टीन्यूक्टिड ट्यूबुलर थैलस विदाउट पार्टीशंस इंटू सेल अब जाहरी बात है कि सिनोसेटिक uh, है सेप्टा नहीं है तो बाडी जो है वो मल्टीन्यूक्टिड होगी क्योंकि सेल्स जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं है प्लांट बाडी जो है वो ट्यूब लाइक -like है साइफोनस मीन्स ट्यूब लाइक। और जो सेल्स के दरमियान पार्टीशंस है तो वो इनकम्प्लीट है क्लोरोप्लास्ट आर आर न्यूमरस ओवल विदाउट जो chloroplast है इनमें तो एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की तादाद काफी ज्यादा है ओवल uh, शेप्ड है एक शेप्ड है ए, या एलिप्टिकल शेप्ड है और क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड एबसेंट होते हैं जैसे कि पिछले हमने पढ़ा था कि क्लोरोफेटा या कैरोफिटा में पायरानाइड्स प्रेजेंट है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड्स एबसेंट है स्ट्रक्चर अगर हम प्लांट बॉडी या तेलस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे हैं दिवोचे फिलामेंट्स आर लॉन्ग साइलेंड्रिकल ऑट्यूब्यूला वेरियसली ब्रांच्ड, अनसेप्टेड एंड सीनोसेटिक प्लांट बाडी जो है वो फिलामेंटस है एलांगेटेड है और साइलेंड्रिकल है मींस के अंदर से हालो है जिसमें भरा हुआ है या लाइक है ब्रांच प्लांट बाडी है और अनसिप्टेड है सेल्स एक दूसरे से अलहदा नहीं है इस वजह से इनको हम सीनोसेटिक कहते हैं फिलामेंट्स इज अटैच्ड टू सब्सट्रेटम by means of rhizoids called हैपेट्रा जो plant body है या तेलस है तो वो substrate के साथ चाहे mud हो या stones हो जो भी चीज़ हो उसके साथ attach होता है through rhizoids और के केस में इन राइजाइड्स को हैपेट्रा कहते हैं ये इनका एक डिस्टिंगविशिंग करेक्टरिस्टिक्स है कि इनके राइजाइड्स को हम हैपेट्रा कहते हैं और ये वाला जो एमसीक्यूज़ है तो ये अक्सर कम्पटिटिव एग्जाम में भी आता है कि वो के राइजाइड्स को क्या कहते हैं फिलामेंट्स शो एपिकल ग्रोथ आ, बाकी एल की तरह यहाँ पर भी जो ग्रोथ है तो वो एपिकल है एपिक्स ग्रो करता है और इस तरह फिलामेंट जो है वो एलंगेट होता है उसकी लंबाई में इजाफ़ा होता रहता है दी प्रोटोप्लाजम इज कंटिन्यूस एलॉन्ग देंथ ऑफ दी तेलस अब जाहिरी बात है कि एसिपटेट है एक से दूसरे सेल से अलहिदा नहीं है द्रूस सेलोल सेल, सेल मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाजम क्या है वो ऑल फिलामेंट प्रेजेंट होता है पूरे तेलस या फिल्मेंट में प्रजेंट होता है तो वो तिन है और कमजोर है और इसके अलावा इलास्टिक भी नहीं है इलास्टिसिटी है लेकिन बहुत कम है बाइकी एल की तरह इलास्टिक नहीं है स्पेशली जो क्लोरोफेटा और कैरोफेटा में हमने पढ़ा था दिवाल इज मेड लेयर्स इनर लेयर ऑफ सेलोज एंड एन आउटर ऑफ पिक्ट अब इनका सेलवाल जो है वो टू लेयर रहे ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है Uh, क्योंकि बाकी में सेल वॉल जो है तो वो थ्री लेयर्ड होता है हाइयर प्लांट्स में स्पेशली यहाँ पर टू लेयर्ड वॉल है इनर जो है वो सेलोस का बना होता है और आउटर जो है जो एनवायरनमेंट की तरफ होता है वो पेक्टिन का बना होता है क्लोज टू सेल वॉल देयर इज ए थिक लाइनिंग लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इन पेरिफेरल पोर्शन सिलवाल uh, की तरफ साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन होता है तो वो गाढ़ा होता है ए लार्ज सेंट्रल वेक्यूल फिल्ड विथ सेल फ्रॉम वन एंड ऑफ द फिलामेंट टू एनदर फॉर्म्स साइफन आर कंटिन्यूअस के नाथ अब इनमें एक लार्ज सेंट्रल वेक्यूल होता है जिसमें सेल से बड़ा होता है मीन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स लिपिड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स एट्सट्रा एट्सट्रा वो बड़ा होता है और सेंट्रल वेक्यूल होता है जो कि पूरे फिलामेंट में ए, होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे फिलामेंट को गहरा होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब साइफन ट्यूब को कहते हैं द क्रॉस वॉल्स आर एबसेंट बिटवीन दी सेल्स जो है जो वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है वो एबसेंट होता है तो एसेप्टेट बॉडी है द सिनोसेटिक एंड साइफोनस वही प्रीवियसली बात के एसेप्टेट है और दूसरी बात ये है कि ट्यूबुलर है साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूमरस वेरी स्मॉल ओवर आर एलिप्टिकल क्लोरोप्लास्ट अरेंज इन एन आउटर लेयर अब साइटोप्लाज्म में जो है तो आ, आउटर लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो ओवल होता है या एलिप्टिकल और स्मालर इन साइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है कि सिलर्गिन है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर आर स्मालर एंड न्यूमरस विच लाई इन साइटोप्लाज्म इनर टू दी लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जाहिर बात है कि एसिपटेट है तो न्यूक्लियाई जो है वो ज़्यादा होते हैं और uh, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के बाद इनर टू द क्लोरोप्लास्ट uh, न्यूक्लियाई ने अपना एक लेयर बनाया होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बट दिस अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियाई इन जूसपोर्स लेकिन जो जूसपोर्स है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियाई की ये जो अरेन्जमेंट है ये आउटर लेयर uh, पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और इनर लेयर जो है वो क्लोरोप्लास्ट में बनाया होता है पाइनाइड आर एबसेंट आयल रेदर देन स्टार्च इज द प्रिंसिपल फूड रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन अब किस तरह होती है इनमें तो तीन टाइप ताइव, टाइप्स के रिप्रोडक्शन जो है तो वो उच्च एरिया में होते हैं ए एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं प्लेस बाई मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन जाहिर बात है बाई के जी की तरह ये भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है कि जो टेलस है वो टुकड़ों में या पीसीज में डिवाइड हो जाता है और हर एक पीस जो है तो वो अलग प्लांट बॉडी में डेवलप्ड हो जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये कामन मेथड नहीं है मींस के कामनली थ्रू विजिटेटो ये रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन फिर भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करते हैं अब कॉमन इस वजह से नहीं है वजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इनकी जो प्लांट बॉडी है वो सिप्टेट है तो जब फ्रेगमेंट में प्लांट बाडी डिवाइड हो जाती है तो जो इनर सेल कंटेंट से अक्सर वो पानी के साथ बह जाता है या पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो इस वजह से विजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें कामन नहीं है क्योंकि थ्रू फ्रेगमेंटेशन होती है और इनकी बाडी एसेप्टेट है तो फ्रेगमेंट से जो सेल कंटेंट है वो पानी में बह जाता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरीकों से होती है स्पोर्स प्लानो प्लानोस्पोर्स और एक तो जू स्पोर्स पढ़ते हैं जू स्पोर्स के थ्रू किस तरह एसेक् प्रोडक्शन होती है तो स्पोर्स इट इज कामन मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन जूस स्पोर्स के थ्रू जो है तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है लेकिन एक्वेटिक मेम्बर जो है वो थ्रू जू स्पोर्स Uh, करते हैं जबकि टेरेस्ट्रियल ज़ाहरी बात है वहाँ पर पानी कम होती है तो स्पोर्स नहीं बनते अब स्पोर्स क्या है स्पोर्स आर लार्ज न्युक, मल्टी न्यूक्टेड एंड मल्टी फ्लैजलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर स्पोर्स जो है तो वो आ, मल्टी न्यूक्ट और मल्टी फ्लेजलेट मीन्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी ज्यादा होती है और फ्लैजिलाई की तादाद भी ज्यादा होती है लेकिन यूनिसेलर स्ट्रक्चर है दे आर प्रोड्यूस सिंगली विद इन लागेटेड क्लब शेप जूसपोर एक जूसपो जो है वो एक ही जूसपोर में बनते हैं मीन्स के एक जूसपोर में एक ही जूसपोर बनता है स्पोरेंजियम जाहिर बात है कि वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं अब यहाँ पर जूस बनते हैं तो इस वजह से स्पोरेंजियम को जूस कहते हैं टू फ्लैजिला इमर्ज अपोजिट तो टू ईच न्यूक्लियस एंड आर अन इन साइज एंड वेफलेश टाइप जूस पोज वे ड्रा फ्लैजिला सीक्रेट्स ए सेल वॉल एंड जर्मिनेट्स इमीजिएटली आफ्टर इट्स लेबरेशन जूस पोज जैसे ही स्पोरेंजियम से लेबरेट होते हैं तो जब इनको सुटेबल इन्वायरमेंट और सबस्ट्रेट मिलता है तो ये अपने फ्लैजिला गिरा लेते हैं और नए पिचेरिया प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाता है स्पोर। प्लानोस्पोर्स क्या है प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर यूज इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ ड्राउट अब प्लान स्पोर्स क्या है ये नॉन मोटाइल है तो जब नॉन मोटाइल होंगे तो जाहरी बात है कि फ्लैजिला भी नहीं होंगे और एसेक्शुअल स्पोर्स है और जब खुश्क मौसम होता है पानी की मकदार कम हो जाती है तो उस दौरान टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जो है वो स्पोर्स बनाते हैं ताकि इस ड्राउट के कंडीशन से निकल जाए और जब नॉर्मल कंडीशन आता है सूटेबल तो फिर यही अपलानोस्पोर्स जो है तो जर्मिनेट होके नया वो चेरिया प्लान बॉडी बनाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ वो टाइप उचे में सेक्शुअली रिप्रोडक्शन वो है वो का मतलब ये है कि फीमेल जो के है वो लार्जर इन साइज होता है एक शेप्ड होता है नॉन मोटाइल तो एक शेप की वजह से इसको गेमस कहते हैं मेल के वो स्मालर इन साइज होता है दैन फीमेल के और वो मोटाइल होता है और पेयर शेप्ड होता है नशपाती की तरह देर आर वेल डिफ्रेंशिएटेड सेक्स आर्गनस एंथरीडिया एंड उगूनिया मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर मानोशियस वचैरिया में स्पेसिफिक uh, आर्गनज होते हैं सेक्स आर्गनस जिनमें मेल और फीमेल के मीट्स प्रोड्यूस होते हैं मेल के मीट्स जिस स्पेसिफिक uh, आर्गन में प्रोड्यूस होते हैं उसको एंथरीडियम कहते हैं और फीमेल के मीट्स जिस आर्गन में प्रोड्यूस होते हैं तो उसको उगूनिया कहते हैं ज़्यादा वो उगूनियम मिलकर तो उसको फिर उगुनिया कहते हैं ज्यादातर स्पीशीज मानोशियस हैं मीन्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर डिवेलप होते हैं इफ यू सच एज उचेरिया डिक्टोमा एंड उचेरिया लिथोरिया आर डायोशियस कुछ स्पीशीज जो है वो डायोशियस है जैसे कि वोचेरिया, डिक्टोमा एंड वोचेरिया चेरिया इनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होती है एक प्लांट पर जो है तो मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन डिवेलप होते हैं और उनमें मेल के बनते हैं जबकि दूसरे प्लांट पर फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन डिवेलप होते हैं और उनमें फीमेल के मीट्स बनती हैं इन मानोशिय स्पीसीज बहुत ही सेक्स ऑर्गन यूजअली डिवेलप क्लोज टू वन इन एट इंटरव एलॉंग जो कि मानोशियस स्पीशीज है जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पर डेवलप होते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिवेल्प इस तरह होती है कि एक मेल आ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंटीडियम होता है और दूसरा उगोनियम होता है इन वोचेरिया जिमिनेट एंड वोचेरिया टेरस्ट सेक्स ऑर्गन डिवेलपेश कुछ भी इस तरह है कि उन पर रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है उगुनिया और इंथ्रीडिया वो स्पेशल ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं जैसे कि उचेरिया जिमिनेट और उचेरिया टेरस्टस है तो इनमें सेक्स आर्गन आम फिलामेंट्स पर ये नहीं बनते बल्कि स्पेशल ब्रांचेस पर डेवलप्ड होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस कहते हैं देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द अरेजमेंट ऑफ सिक्स आर्गन इन डिफरेंट स्पीशीज एंड फार्म अब सेक्स आर्गन की जो अरेजमेंट है, है मुराद एंथरीडिया और उगूनिया तो उनकी अरेन्जमेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होती हैं इच एंथरीडियम इज ए सैलेंडिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इट मे बी स्ट्रॉगली कार्व आर होक्ड आर स्टेट इंथ्रीडियम जो है ये सैलेंडिकल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जो के एपिक्स पर कर्व्ड होता है हुक सा कुंडे की तरह स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कुछ स्पीशीज में ये इनका एपिक्स जो है वो स्ट्रेट रहता है इन जनरल द पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड उगोनिया इन मनुशिया स्पीशीज शो द फॉलोइंग पैटर्न्स ए एंथ्रीडियन उगोनिया आर आइस क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम फिलामेंट एट इंटरवल्स कुछ स्पीशीज़ में इंथरीडिया और उगूनिया जो है वो एक दूसरे के नज़दीक एराइज़ होते हैं और इंटरवल्स में होते हैं मींस के एक उगूनिया होता है नेक्स्ट इसके इंथेडिया होता है बी दे मे बी ऑन स्पेशल ब्रांचेस विथ ए टर्मिनल एंथरीडियम एंड ए नंबर ऑफ लेटरल प्लेसड उगोनिया कुछ स्पीशीज़ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है या अरेंजमेंट है तो वो इस तरह होती हैं कि ये स्पेशल लेटरल ब्रांचस पर एराइज होते हैं इन ब्रांचस के जो एपेक्स है उस पर एक इंथ्रीडियम होता है और उस इंथ्रीडियम के नीचे बहुत सारे उगूनिया डेवलप्ड होते हैं तो एक अरेंजमेंट ये है सी नंबर जो थर्ड अरेंजमेंट है इंथ्रीडिया एंड उगुनिया में डेवेलप ब्रांचेस ऑफ सेम फिलामेंट इस तरह होता है कि इंतरीडिया और उगुनिया जो है वो एडजस्टेंट ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं मीन्स के दो एक दूसरे के साथ नज़दीक नज़दीक इलेट्रल ब्रांचेज एराइज होते हैं एक पर सिर्फ इंतरीडिया डेवलप होते हैं और दूसरे ब्रांच पर सिर्फ उगुनिया डेवलप होते हैं तो ये तीन अरेंजमेंट्स से ये पाए जाते हैं में कि किस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं मोस्टली उगुनिया आर सिचुएटेड क्लोज टुगेदर सीवर में इंटर द्रू इन उगूनियन बीक बट अल्टीमेटली ओनली वन ऑफ दोजा गेट्स ए चांस अफ्यूजन विद एग एंड मेल एंड फीमेल न्यूक् फ्यूज एंडोटफाम अब एक एंथीडियम में जो है तो बहुत ज्यादा एंथीरोजाइड्स होते हैं मेल के मीट्स को एंथीरोजाइड्स कहते हैं यही एंथिर जब रिलीज होते हैं तो जो फीमेल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है वो कूनियम उसके एपेक्स पर एक पोर होता है उसमें इंटर हो जाते हैं तो ये सब जो है तो एक एक के साथ फ्यूज़ नहीं होते बल्कि एक एंथिरड जो है वो फीमेल के मीट जिसको एक कहते हैं उसके साथ फ्यूज़ हो तो दोनों जह बनाते हैं अब फ्यूजन इस तरह नहीं होती कि दोनों गेमीट्स मीन्स के एंथीरोजाइड जो मेल गेमीट है और एक जो फीमेल गेमीट है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाए बल्कि एंथिरोजाइड से न्यूक्लियस इंटर हो जाता है एग में और ये दोनों न्यूक्लियाई मिल जाते हैं और इस तरह जयगोड बनता है जयगोड जो है तो एक तिक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है इसको ऊ कहते हैं उचेरिया में या जेंटोफिटा में जायकोड के लिए जो स्पेशल टर्म यूज होता है तो वो है उसपोर तो वो एक राउंड तिक स्ट्रक्चर होता है जो उस पोर है तो जब वो लेबरेट होता है प्लानी पानी में या एनवायरनमेंट में तो जब इसको सूटेबल प्लेस मिलता है और सूटेबल प्लेस से मुराद यह कि वहाँ पर पानी न्यूट्रेंट्स और इन चीज़ों की मकदार बराबर हो तो ये जर्मिनेट होके नए उचेरिया प्लांट में डेवलप्ड हो जाता है यह हमारे पास उचेरिया की प्लांट बाड़ी है तो अगर आप देख ले तो फिलामेंटस है और साइफोनस है ट्यूब लाइक है ट्यूबुलर है और इनमें सेप्टा कहीं पर भी नहीं है तो ये तेलस है फिर ये तेलस जो है तो राइजाइड्स के थ्रू वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ दी तेलस है तो अगर आप देख ले तो ये सारे क्लोरोप्लास्ट है इस साइड पर भी इस साइड पर भी ये सेलवाल है फिर ये न्यूक्लियाई है सारे ये रिजर्व फूड है या आयल ड्रॉपलेट्स है और ये सेंट्रल वेक्यूल है जो कि ट्यूब के एक सिरे से शुरू होके दूसरे सिरे तक जाता है तो इस तरह ये हमारे पास उचेरिया की प्लान बॉडी का स्ट्रक्चर होता है थैंक्स फॉर